हरे कृष्णा। आज थोड़ा यहाँ पर इंटरनेट का कुछ इश्यूज़ हैं, तो अभी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं लाइव, तो अभी तक सेटिंग में लग गया। कल हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरे भजना करते हैं, मैं उनको उसी भाव से जो है उनके अधीन हो जाता हूँ। तो बता रहे हैं, जो मुझे अपना पुत्र समझते हैं वात्सल्य भाव से, और सखा भाव से अपना दोस्त समझते हैं, और जो मधुर रस के भक्त जो है अपने प्राणपति समझते हैं, उन सब लोगों का इस प्रकार का शुद्ध भक्ति से मैं प्रभावित होकर मैं जो है उनके अधीन हो जाता हूँ। इस भाव में क्या है कि वो अपने आप को मेरे से बड़ा, मेरे को या तो छोटा नहीं तो अपना समान समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। इस प्रकार का जो शुद्ध भक्ति करते हैं, उस शुद्ध भक्ति से का मैं अधीन हो जाता हूँ। तो कल हमने प्रभुपाद जी का टीका इसमें सुना था कि जो अन्य अभिलाष, भगवान को छोड़ करके इतर वस्तुओं के कामना वासना और ज्ञान कर्म अनावृत, मतलब जो भक्ति ज्ञान से आवृत नहीं है, ज्ञान से ढका हुआ नहीं है, और जो है कर्म से ढका हुआ नहीं है, मतलब जो संपूर्ण शुद्धा भक्ति, वो शुद्ध भक्ति जो करते हैं, उन शुद्ध भक्ति के, उस शुद्ध भक्ति के द्वारा मैं उनके वशीभूत होता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया था, एक भक्त ने प्रश्न किया था कि ये ज्ञान कर्म और वह ये वाला थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या है, समझ में नहीं आया। हम चैतन्य महाप्रभु के जो परंपरा के जो लोग हैं, विशेष रूप से कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, इन सब मार्गों में हमारा रुचि नहीं है। जो संपूर्ण रूप से इन सब चीज़ों से जो मुक्त शुद्ध भक्ति है, उसका अवलंबन करने वाले हैं। क्योंकि कर्म मार्ग में क्या है, जो ये राय रामानंद संवाद में पढ़ने लायक है, महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में वार्तालाप होता है, तो पढ़ो श्लोक साध्येर निर्णय, महाप्रभु बोलते हैं राय रामानंद को, तुम जो है शास्त्रों से श्लोकों का जो है ये दे करके प्रमाण देते हुए साध्य का निर्णय करो। जो सर्वोत्तम वस्तु क्या है हमारा, करो साध्य साधन तत्व का सर्वोत्तम क्या है, तुम बताओ मेरे को। तो वहाँ पर राय रामानंद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वधर्म निष्ठा, निष्ठा के साथ जो अपना स्वधर्म को पालन करना, वर्णाश्रम धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अपना सब चीज़ों को पालन करना, मतलब ब्राह्मण अपना ब्राह्मण के जैसा काम करेगा, जो वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास सब अपना अपना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण और आश्रम जिस प्रकार जो व्यक्ति को जो करना है उस प्रकार से निष्ठा के साथ, वही मैं साध्य समझता हूँ। महाप्रभु यहाँ पर बोलते हैं यह बाह्य, ये बाहर का चीज़ है। क्यों बाहर का चीज़ है? क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म किसको संबंधित है, जिसमें मेरा जन्म हुआ है, जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है, या तो मेरा जिस आश्रम में मेरा प्रवेश है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, ये शरीर संबंधित है, ये बाहर का है। बाहर का मतलब ये शुद्ध भक्ति की बात नहीं है। महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति छोड़ करके उससे पहले किसी को भी उन्होंने अनुमोदन नहीं दिया। बोलते हैं यह बाह्य, ये बाहर का है, इसको छोड़ दो। तो बोलते हैं कि कर्म अर्पण, जो कर्म करते हैं वर्णाश्रम धर्म, जो ब्राह्मण कर्म किया या अन्य अन्य जो कर्म किया, उस कर्म को अर्पण करना, वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो महाप्रभु वहाँ पर भी बोलते हैं नहीं, ये भी बाहर है। क्यों? अभी भी मैं करता हूँ, ये अहंकार है। जो कर्म करता है उसको अभी भी अहंकार है, मैं कर्म कर रहा हूँ, उस कर्म का फल मैं उसको दे रहा हूँ, भगवान को दे रहा हूँ, तो कर्ता अभिमान अभी भी है।
तो इसलिए भगवान बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं, ये भी बाहर का चीज़ है, यह बाह्य आगे कहो यार, ये भी बाहर का है, आगे का बताओ। तो बोलते हैं कि कर्म त्याग, जो कर्म कर रहे हो वो कर्म को त्याग दो। तो गीता का श्लोक बताया वहाँ पर, सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म हैं वो सबको परिपूर्ण रूप से त्याग दो। ये कर्म मतलब क्या है? जो कर्म हम इस जागतिक अभिमान से करते हैं उसको बोलते हैं कर्म। वो जो क्रिया जो भगवान का अभिमान में, मतलब मैं भगवान का सेवक हूँ ये अभिमान में किया जाता है, वही देखने के लिए बाहर से कर्म लगने के बावजूद भी वो सेवा है, क्योंकि अभिमान वहाँ पर जागतिक नहीं है। कर्म मतलब मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे ये कर्म करना है, ये बाहर का अहंकार रह गया, जागतिक अहंकार रह गया। जब तक जागतिक अहंकार रह गया वहाँ पर भक्ति करने से भी वो भक्ति शुद्ध भक्ति में नहीं आता, विद्या भक्ति है वो, इम्प्योर भक्ति है। भले ही वो भगवान का भजन करें लेकिन क्योंकि वो कर्म मिश्रित है वहाँ पर, या कर्म अहंकार है, मैं करता हूँ इस प्रकार का अहंकार है, उस वो त्यजनीय है। तो बोला कि कर्म त्याग ही सर्वोत्तम साध्य वस्तु है। तो महाप्रभु बोलते इहो बाह्यो, ये भी बाहर है, बाहर का है। क्यों बाहर का है? अभी भी कर्म में फंसे हैं। कर्म त्याग करने से होगा, क्या होगा? अब जहां पर प्रतिष्ठित हो ना, वहां तो प्रतिष्ठ हो ना। कर्म संन्यास ले लिया किसी ने, कर्म संन्यास लेके करेगा क्या? जो करना है वो तो वहां पर स्थापित नहीं हुआ। सब धर्मों को छोड़ दो, और आगे भगवान को बोलना पड़ा, अगर ये कर्म छोड़ने की वजह से, धर्म छोड़ने की वजह से कोई पाप कर्म तुमको लगता है कि तुमको पाप कर्म तुमको अटैक करेगा, मां शुचा, चिंता मत करो, मैं वो सब चीज़ों को दूर कर दूंगा। तो भगवान को वहां पर आश्वासन देना पड़ा, है ना, कि कर्म त्याग कर दिया तो फिर कुछ पाप होगा, धर्म त्याग कर दिया तो कुछ पाप होगा, तो भगवान को आश्वासन देना पड़ा। तो वहां पर भक्ति की बात अभी भी नहीं है, पाप का डर है, और चलो भगवान ने बोल दिया कर देगा करके, लेकिन वहाँ पर भक्ति का गंध नहीं है। महाप्रभु ने बोला यह बाह्य, मतलब कर्म को उन्होंने ऐसा तिरस्कार कर दिया कि हम इस जगत में बहुत बड़ा कर्ता करने के लिए, कर्म करने के लिए नहीं आए हैं हम, कर्म करना हमारा लक्ष्य नहीं है, भक्ति ही जीवों का एकमात्र लक्ष्य है। उसके बाद बोलते हैं ये भी यह बाह्य आगे कहो, और ये भी बाहर का चीज है, आगे कहो, इसके ऊपर है तो बताओ। तो बोलते हैं ज्ञानमिश्रा भक्ति, जो भक्ति में ज्ञान के साथ, ज्ञानम भी ज्ञान सहितम, जो ज्ञान के साथ जो कर्म किया जाता है, जो भगवान की भक्ति की जाती है, ज्ञानमिश्र भक्ति, भगवान बोलते हैं इहो बाह्य, ये भी बाहर है। क्यों? जहाँ पर ज्ञानी है, ज्ञानी का इस अहंकार रहता है कि मैं जो ज्ञान का अर्जन करता है वो ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वहाँ पर प्रयास अपना है, जहाँ पर प्रयास है, ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान अर्जन करने का प्रयास है। जहाँ पर प्रयास है वहां पर वो, मतलब चैतन्य महाप्रभु ये बोलना चाहते हैं कि परिपूर्ण रूप से कृपा के ऊपर ही जब तक कोई व्यक्ति निर्भर नहीं रहेगा, जहां तक का प्रयास है, ज्ञान अर्जन करेंगे, बहुत ज्ञान अर्जन करेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे हमारा रावण इत्यादि और हिरण्यकशिपु, इतना बड़ा ज्ञानी था, हिरण्यकशिपु में कोई ज्ञान का कमी नहीं रहा। वो जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, हिरण्याक्ष का वध होने के बाद उनके जो जो क्या बोलते हैं भाभियाँ हैं, हिरण्याक्ष के जो पत्नियाँ, वो सब रोने लगते हैं, तो हिरण्यकशिपु उनको बहुत सुंदर वचन बोलते हैं, आत्मा नित्य है, वो नश्वर नहीं है। जो व्यक्ति वो जो अविनश्वर चीज़ के लिए नहीं प्रयास करके, जो नश्वर वस्तु उसके पीछे रोता है या शोक इत्यादि करता है, तो फिर वो मूर्ख है। ऐसा करते करते जो है हम अपना जीवन गंवा देंगे, लेकिन आत्मा के लिए सब लोगों को जीवित रहना चाहिए। इस प्रकार
श्रीमद्भागवत में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सुंदर रूप से हिरण्यकश्यपु ने ज्ञान दिया। लेकिन जब बात असल बात आई, क्या भक्ति, ज्ञान अर्जन करने मात्र से भक्ति हो जाता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान के द्वारा भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं, सामने नरसिंह भगवान खड़े हैं, ज्ञान ज्ञानी भी है वो, लेकिन फिर भी उनको भगवान के प्रति शरणागति नहीं है। जहां पर शरणागति नहीं है, ज्ञान मार्ग में शरणागत नहीं हो सकते हैं। जहां शरणागति नहीं है, वहां पर भगवान प्रादुर्भूत नहीं होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इतना ज्ञान अर्जन करने के बावजूद भी स्वयं भगवान सामने प्रकट हैं, फिर भी उन भगवान को देखने का उनके आंख नहीं है, उन भगवान को समर्पित करने के लिए कोई उनका योग्यता नहीं है। तो महाप्रभु बोलते हैं, इहो बाह्य योगी कहो आर। तो ज्ञान जहां पर भक्ति के साथ मिश्रित है, क्योंकि शुद्ध भक्ति मतलब क्या, किसी के साथ मिश्रित नहीं है, वो कोई भी चीज के साथ मिश्रित नहीं है, वो शुद्ध है। ज्ञान के साथ मिश्रित हो गया, कर्म के साथ, योग के साथ मिश्रित हो गया, तो फिर वो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो उसके बाद बोलते हैं, तो ज्ञान को परिपूर्ण रूप से त्याग दो। ज्ञान शून्य भक्ति बोलते हैं कि ज्ञान का प्रयास को पूर्ण रूप से परित्याग दो। वहां पर श्लोक बोलते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव। बोलते हैं ज्ञान का प्रयास को पूर्ण रूप से छोड़कर, कल हमने श्रवण किया था, ब्रह्मा जी का इतना ज्ञान होने के बावजूद भी तेने ब्रह्मा हृदये आदि कवये, जो सर्वोत्तम, जो आदि कवि मतलब सृष्टि का जो सर्वप्रथम रचयिता जो ब्रह्मा जी है, तेने हृदये, उनके हृदय के अंदर भगवान ने अपना जो तत्व ज्ञान उन्होंने दिया, वो ब्रह्मा जी भी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी शरणागति का अभाव है, तो फिर वहां पर भगवान को, भगवान का भगवत्ता को नहीं समझ पाए, भगवान का ऐश्वर्य को जानते हैं लेकिन भगवान का माधुर्य को नहीं समझ पाए। तो वहां पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तैव। ज्ञान का प्रयास को परिपूर्ण रूप से छोड़कर, जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भक्त लोगों के साथ बैठ करके, उनके पास रह करके, भवदीय वार्ताम आपकी जो कथा है उसको श्रवण करो। तो इस प्रकार उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जब बोला था कि ज्ञान का प्रयास को छोड़ दो कंप्लीटली, और जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवांग मनोभी, जो स्थान में, जिस स्थान में जो साधु लोग हैं उस स्थान में रहकर उनसे हरि कथा श्रवण करेंगे, और तनुवांग मनोभी मतलब शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा उनको नमस्कार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये प्रायशो अजित जितो अपि ईश्वरः, बोलते हैं जो अजित है, जो साधारण तौर पे किसी के साथ जित नहीं होते, मतलब देख नहीं पाते हैं, उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वो भी जो व्यक्ति ज्ञान का प्रयास को परिपूर्ण रूप से त्याग कर जो आपके शरण में आ जाते हैं, आपके भक्तों के शरण में आ जाते हैं, उनके लिए आप इतना आसानी से दर्शन देते हैं। उसके बाद बोलते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये, तेषाम असौ क्लेशलये वशिष्यते, नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। बोल रहे हैं इतना सरल रास्ता, क्या जो श्रेय रस, श्रेय पंथ, क्या भगवान का भक्ति, इतना सरल और सहज से करने वाला जो श्रवण मार्ग, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य, श्रुति मार्ग में जो भक्ति, श्रवण मार्ग में जो भक्ति, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, लेकिन बोध मतलब ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, ये ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ पढ़ा, ये किया, वो किया, भगवान ने क्या बोला, ना अयम आत्म प्रवचने न लभ्या न बहुना न श्रुतेन न मेधया। बोलते हैं कि आत्म प्रवचन मतलब जो ज्ञानी है, जो अच्छे से जानता है, अच्छे से आत्मज्ञान के बारे में दे सकता है, आत्मज्ञान दे सकता है, ना मैं उसको प्राप्त नहीं होऊंगा, ना मेधया, बहुत मेधा शक्ति है, इतना शास्त्रों का श्लोक उसने रट्टा मार लिया, इतना ज्ञान है उसको, ना मेधया, ना बहुना श्रुते, ना बहुत सारा शास्त्र पढ़ लिया। यमेव वृणते तेन लभ्यः, जिसके ऊपर मैं कृपा करूंगा
वही मेरे को देख पाएगा, और कोई दूसरा रास्ता से नहीं। तो भगवान को, भगवान की कृपा को आकर्षण करने का रास्ता क्या है? भगवान ने बोला शरणागति, मेरे प्रति शरणापन्न हो जाओ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो ये शरणागति मतलब क्या है? शरणागति मतलब भक्ति का अंग है ना, षडंग शरणागति हुई बे जहार। जो ये 6 प्रकार का शरणागति जो है भक्ति का अंग है। तो जहां पर ये भक्ति का अंग है, मतलब जहां पर शरणागति है, भगवान अपने आप रिवील करते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं। स्वयं प्रकाशित तो विग्रह है, वो स्वयं स्फूर्त होते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में। तो जब राय रामानंद में बोला कि ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान को परिपूर्ण रूप से त्याग करके जो भक्ति है वो करो, तो फिर महाप्रभु वहां बोलते इहा होय, आगे कहो। और यहां तक तो उन्होंने बोला यह बाह्य, ये बाहर का है, ये बाहर का है, बाहर का है। यहां से चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा शुरू है। जो ज्ञान का, कर्म का, ध्यान का, योग का, तपस्या का, जो भी प्रकार का जो पंथाएं हैं, सब पंथाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर जो शरणागति जहां से शुरू होता है, वहां से महाप्रभु की शिक्षा आरंभ है। इहा होय, ज्ञान शून्य, हाँ ये ठीक है, लेकिन इसका आगे बताओ। तो उसके बाद एक के बाद एक बताते हैं कि मतलब शांत रस, दासी रस, साख्य रस, मतलब ज्ञान शून्य भक्ति मतलब ही शांत रस। उसके बाद से भगवान के किस किस प्रकार में, किस किस प्रकार का सेवा करते हैं, वो उन्नत उन्नत होते होते वहाँ पर राय रामानंद ने बताया। तो बोलने का तात्पर्य यह है, चैतन्य महाप्रभु ये सर्वोत्तम चीज़ देने के लिए आए। जो भगवत गीता का जो उत्तम शिक्षा, क्या सब सब सो कॉल्ड धर्मों को छोड़ दो, जिसको तुम धर्म समझते हो, या जिसको मैंने बोला अभी तक तुम ये करो वो करो, सब छोड़ दो, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। महाप्रभु बोलते हैं ये भी बाहर है, ये हो बाह्य, ये भी बाहर है। मतलब यहां से भी भगवान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान शून्य नहीं होता है। ये यही गीता में हमारा आता है एक श्लोक, बहुराम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानी बन करके इतना शास्त्र पढ़ करके ये सब करके सब ज्ञान इकट्ठा करके बोलते हैं बहुनाम जन्मनामंते, ज्ञानवान बहुत जन्मों के बाद एक ज्ञानी व्यक्ति माम प्रपद्यते, मेरे शरण में आएगा। वहां पर भी वो ज्ञानी जब तक शरणागत नहीं होता है, ये श्रीमद्भाग ये चैतन्य चरितामृत में ही आगे आएगा, ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति की कृपा का उपेक्षा करते हैं, ना अपेक्षा करते हैं उपेक्षा नहीं, अपेक्षा करते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों को भक्ति का सहारा चाहिए। वहां पर कर्म अगर मिश्रित नहीं हुआ भक्ति के साथ तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। ज्ञान भी अगर भक्ति मिश्रित नहीं हुआ, हाँ कर्म अच्छा, हाँ अगर ज्ञान भी, ज्ञान के अंदर भी अगर भक्ति मिश्रित नहीं हुआ, मतलब अगर वो उसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, तो वो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा, कर्म भी सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज़ है, ना ज्ञान का अपेक्षा रखता है ना ही कर्म का। वहाँ पर बोलते हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य अलग से किसी को प्रयास करने का जरूरत नहीं है, ज्ञान इकट्ठा करने का या वैराग्य अभ्यास करने का जरूरत नहीं है। जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर स्वाभाविक ही ये दोनों आ जाते हैं। भक्ति है माता और ये दो है संतान। जहां पर भक्ति है वहां पर ये संतानों का उद्भव है, लेकिन संतान से माँ की तो उत्पत्ति नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग्य जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन भक्ति पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, पूर्णतः स्वतंत्र है, ना कर्म का, ना जो है ज्ञान का, ना योग का, ना तप का, किसी का भी उसको ये नहीं है। इसलिए बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरे को शरणागत होगा, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, तब बहुत जन्मों के बाद ज्ञान अर्जन करने के बाद उसको समझ में आएगा। स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा ही बहुत दुर्लभ है।
क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के बाद हम ब्रह्मास्मि में ज्यादा चले जाते हैं। और जो और भी गीता में क्या बोलते हैं, तपस्वी पे अधिको योगी, योगी क्या है, तपस्वी से बड़ा है, श्रेष्ठ है। ज्ञानिनामपि मतोधिका, मेरे हिसाब से ज्ञानी से भी वो श्रेष्ठ है, कौन, योगी। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, और वो योगी कर्मी से भी श्रेष्ठ है। मतलब योगी क्या है, कर्मी से, तपस्वी से, ज्ञानी से, तीनों से योगी श्रेष्ठ है। तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम ऐसा योगी बन जाओ, क्यों, योग जो योगी योगी है वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका परमात्मा का अनुभव है। ज्ञानी मतलब ब्रह्म विलीन, उससे श्रेष्ठ है योगी जो परमात्मा का सब समय हृदय के अंदर अनुभव करता है, वो परमात्मा से अपने आप को अलग समझता है। ये तो विलीन हो जाते हैं ज्ञानी लोग। तो इसीलिए जो वहां पर बोलते हैं तस्मात योगी भवार्जुन, है अर्जुन तुम ऐसे योगी बन जाओ। अब ऐसा योगी बन जाओ, उसके बाद योगी में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है वो भी बोल दिया, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गते अंतरात्मनः। बोलते हैं सर्वोत्तम योगी वही है जो मेरे को अपने हृदय के अंदर दर्शन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, और मेरे को श्रद्धा के साथ भजना करता है। भजन मतलब क्या है, भक्ति, भजन मतलब ही भक्ति है। तो योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है, भगवान गीता में बता रहे हैं कौन श्रेष्ठ है, योगिनाम अपि सर्वेशां मद्गते अंतरात्मनः, मतलब हृदय के अंदर मेरा ही चिंतन है, मेरे बारे में ही सब समय है उसका चिंतन, और श्रद्धावान भजते यो माम, समय भक्त समय युक्त तममतः, वो योगी सर्वोत्तम है मेरे हिसाब से, वो श्रेष्ठ है जो हृदय के अंदर मेरे बारे में सब समय चिंतन करता है, ध्यान करता है और मेरा भजना करता है। तो कौन सा योगी बनने के लिए बोल रहे हैं भगवान, भक्ति योगी बनने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब इतना इसलिए बोल रहे हैं, एक प्रश्न आया था एक भक्त का कि कर्म ज्ञान योग आपने बोला था ये सब छोड़ना है, तो मतलब कैसे, मतलब थोड़ा और इसको विस्तार से बताइए। तो इसीलिए ये प्रसंग उठाना पड़ा कि शुद्ध भक्ति में ये सब नहीं है, और जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए वो हमने पहले श्रवण किया था। चैतन्य महाप्रभु देने क्या देने के लिए आए हैं, शरणागति देने के लिए आए हैं। शिखाय शरणागति भकतेर प्राण, महाप्रभु कर्म अर्जन के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, योग तप साधन के लिए नहीं आए। जो हम जिस पथ में हैं, चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम पथ, सर्वश्रेष्ठ साध्य वस्तु प्राप्त करने के लिए दिया। बाकी गलत है ऐसा नहीं है, कर्मयोगी जो है सर्वोत्तम कर्मयोगी, वो भी गीता में बताया, मतलब डेफिनेटली उसको फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो बेकार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो फल देने के लिए नहीं आया, वो भी उन लोगों को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो लोग भी आध्यात्मिक जीवन में ही हैं, लेकिन उस प्रकार का फल देने के लिए नहीं आए। महाप्रभु जो चरम फल देने के लिए आए हैं उनके लिए ये सब बाधक है। अगर ये सब नहीं होता तो फिर भगवान गीता में बोलते ही नहीं, ज्ञानी ज्ञान मार्ग और योग मार्ग ये सब बोलते ही नहीं, सीधा भक्ति मार्ग ही बोलते, लेकिन सब उसका अधिकारी नहीं होते ना, सबका तो अधिकार नहीं होता, इसीलिए अलग अलग प्रकार का बताया। तब एक और प्रश्न है, तो प्रभु जी हम ये सब ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये तो ज्ञान का ही तो अर्जन कर रहे हैं ना, इतना ग्रंथ अध्ययन करके क्या करना है, ज्ञान का ही तो अर्जन है ना, तो ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने पांच भक्ति के अंगों में श्रीमद् भागवत का श्रवण उन्होंने बताया। श्रीमद् भागवत का श्रवण यहाँ पर, श्रीमद् भागवत मतलब जो भक्ति शास्त्र जितने भी हैं, वो सब जो है ज्ञान का अर्जन का भावना से नहीं करेंगे। अगर ज्ञान अर्जन के भाव से करेंगे, ये ज्ञान इकट्ठा करके हम किसी और को सुनाएंगे, हमारे पास नॉलेज बढ़ेगा तो हम किसी और को बोल सकते हैं ना, ये भक्ति का अंग है। श्रीमद् भागवत पठन या श्रवण, चैतन्य चरितमृत का पठन या श्रवण, जो भी ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन ये सब भक्ति के अंग है। अगर हम इस भाव से कर रहे हैं कि ये भक्ति का अंग है, तभी वो भक्ति है। ज्ञान अर्जन करने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग श्रीमद् भागवत स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं,
लेकिन वो भागवत पढ़ने मात्र से भक्त हो जाता है? नहीं होगा। बहुत कितने लोग कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक लेकर के पूरा रिसर्च करते हैं। तो बोलने के लिए प्रभु जी वो लोग तो भागवत पढ़ रहे हैं, वो भी तो भक्त हैं ना, सब अपना अपना मकसद लेके पढ़ रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये ग्रंथ अध्ययन किस लिए बोला था? ग्रंथ अध्ययन इसीलिए है कि ये भक्ति का अंग है, और इसलिए वही शास्त्र पढ़ेंगे जो हम, मतलब हमको चैतन्य महाप्रभु या गौड़ीय परंपरा में जो हमको बताया गया है, ये ग्रंथ जो सीधा भक्ति के साथ संबंधित है, ऐसे चीज़ों में जो है वास्तविकता में फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो धारा है वो शुद्ध भक्ति धारा, वहाँ पर कोई ज्ञान का, योग का, तप का, हाँ, और अन्य अन्य साधनों का, ज्ञान का कोई वहाँ पर चांस नहीं है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर हुआ। तुम्हारा पढ़ना ठीक है कि नहीं? ग्रंथ जी ठीक है ना? ज्ञान के लिए नहीं है ना, भक्ति के लिए है ना, जो भी हम ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं। देखो, सब शास्त्रों का सार वहाँ पर बता दिया, सब शास्त्रों का सार क्या है? नाम संकीर्तन। बहुत सारा शास्त्र नहीं जानते हैं लेकिन नाम में रुचि है तो फिर वो सर्वोत्तम है। हमारे वंशीदास बाबा जी महाराज के पास कोई भी जाते थे तो उनको कोई बहुत सारा शास्त्र युक्ति के द्वारा कुछ बोलते नहीं थे, बाबा जी भगवान कैसे मिलेंगे, रोना, मुझे इतना ही बोलते थे, रोना। अब कौन सा शास्त्र में रोना लिखा है, कौन सा शास्त्र पढ़ लिया उन्होंने रोना लिखा। लेकिन सबका सार क्या है? भगवान के लिए रोना है ना। इस प्रकार जो भगवान का नाम जिसने जान लिया, ये मूल है, सार है। ये सब हम जितना भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए कि भगवान का नाम का महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा जानने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं। कि भगवान का नाम का महिमा क्या है, उस भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो, ऐसा उसके लिए। और जिसको भगवान के नाम के प्रति रुचि हो गया तो सब शास्त्रों का मर्म ज्ञान उसको पता चल गया। गोपियाँ वहाँ पर और गो सखाएँ, वो सब तो ग्वाला हैं, ग्वालिन हैं, उन लोग को कौन सा शास्त्र मालूम है उनको? यहाँ तक कि वो भगवान कृष्ण भगवान है ये भी नहीं मालूम है उनको, है कि नहीं? उस जगत में उनको ये भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण है या कृष्ण भगवान है, उनको ये भी नहीं पता, तो फिर भी उनके अधीन है कि नहीं? तो सब हम जो ज्ञान जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ अध्ययन इत्यादि जो भी कर रहे हैं, उसका सार यही है, ज्ञान भूल जाना। अभी जो हम सब कुछ, जो कुछ ग्रंथ अध्ययन जो कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ जा कर के ये सब कोई काम नहीं आएगा, वहाँ जा कर के रागात्मिका भक्ति काम आएगा। ये ज्ञान से वहाँ पर कोई सेवा नहीं होता है, वही तो बोल रहे हैं ना, सब जगत मेरे को ऐश्वर्य भाव से सेवा कर रहे हैं लेकिन ऐश्वर्य भाव से मेरा भजना नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन उनके उतना मैं अधीन नहीं होता, इतना प्रीति मेरे को नहीं लगता है उनसे। लेकिन जो मेरे को अपना बच्चा समझता है, अब जो ज्ञानी कभी समझेगा कि श्री कृष्ण मेरा बच्चा है, कोई योगी कभी समझेगा कृष्ण मेरा पति है? नहीं समझेगा। क्यों? वो तो परब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन बोलते हैं कि जो उस प्रकार से करते हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा आकृष्ट नहीं होता जितना अपने जो है मेरा बच्चा समझ करके करते हैं। इसलिए हमारे रघुनाथ आचार्य, उन्होंने लिखा, स्मृतिम अपरे श्रुतिम इतरे, भारते अन्याम भजन्तु भवभीता, अहम इहम नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। बोलते हैं कोई श्रुति शास्त्रों को उपासना करे, कोई स्मृति शास्त्रों को उपासना करे, कोई महाभारत का उपासना करे, कौन? जो भवभीता, जो इस भवसागर में भय जिसको बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ ना, अरे ये करना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो संसार में नाना प्रकार का दुख है, कलेश है, जो भीता, जो इस भवसागर से भय हो करके हैं, वो लोग जिसको स्मृति पढ़ना है पढ़ने दो, जिसको श्रुति पढ़ना है पढ़ने दो, जिसको महाभारत पढ़ करके उसके हिसाब से उनको चलना है चलने दो, लेकिन अहम इहम यह नंदम वंदे, लेकिन मैं सिर्फ नंद महाराज को प्रणाम करता हूँ,
रघुनाथ आचार्य, रघुनंदन आचार्य, रघुनाथ आचार्य वो लिखते हैं कि मैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नंद महाराज को ना, श्रुति श्रुति को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, स्मृतियों को मेरा प्रणाम, और जो है महाभारत को मेरा प्रणाम। वो जो जो भाई भी तो हैं वो लोग पढ़ें, लेकिन मैं केवल मात्र किसी का शरण लेता हूँ तो वो कौन है? अहम यह नंदम वंदे, मैं नंद महाराज को प्रणाम करता हूँ। क्यों? यश्च आलिंदे परब्रह्म, जो परब्रह्म, जो श्रुति स्मृति महाभारत इत्यादि जिनके लिए खोज रहे हैं, वो स्वयं नंद महाराज के वो जो आलंदी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वरंडा, वरंडा बोलते हैं हिंदी में, आंगन, वहां पर खेल रहे हैं वो। जो नंद महाराज का आंगन में जो खेल रहे हैं, जो श्रुति स्मृति सब जिनके लिए ढूंढ रहे हैं ना, वो नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं, तो इसलिए मैं नंद महाराज को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार के जो महाप्रभु ये सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। देखो किस प्रकार के जो भक्त हैं वो ये सब ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई इस प्रकार का रुचि नहीं रखते हैं, जो सर्वोत्तम भक्त, और ऐसे भक्त से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वही हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि जो मेरे को पुत्र समझता है, जो मेरे को सखा समझता है, जो मेरे प्राणपति समझता है, उनके शुद्ध भक्ति से ही मैं जो है अधीन हो जाता हूँ। टाइम है कि नहीं? प्रश्न उत्तर में ही हो गया इस टाइम क्या? 10:40, अच्छा 10:15। 15 मिनट और है, ठीक है। तो अभी हम श्लोक नंबर 26 से पढ़ेंगे, पयार नंबर 26, चेतन चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय। प्रिया यदि मान करी करे भर्त्सन, वेदस्तुति होते हरे सेई मोर मन। बोल रहे हैं प्रिया जो सखी, जो भगवान का जो गोपी है, वो अगर मान करके मुझे भर्त्सना, भर्त्सना मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मान करके जो गाली देते हैं ना, मान करने के बाद जो क्या बोलते हैं, कटु वचन है ना, निष्ठुर वचन या कटु वचन, तो अगर मान करके प्रिया सखी मेरी अगर ऐसा कटु वचन भी बोलती है, बोलते हैं वेदस्तुति होते हरे सेई मोर मन, जो वेद का स्तुतियों से जो मेरा मन आकर्षित होता है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित होता है। क्योंकि वेद क्या स्तुति करते हैं, आप परब्रह्म है, परमात्मा है, आप सृष्टि करता है, जगत करता है, पालन करता है, इस प्रकार का जो है स्तुति। लेकिन यहाँ पर जो अत्यंत प्रीति से परवश होकर के गोपियाँ उनसे मान करती हैं, मान करके श्री कृष्ण को जो है बहुत कटु वचन बोलती है, भत्सना करती है, तो उससे बोलते हैं कि वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वेद स्तुतियों से भी मुझे अच्छा लगता है। हमने सुना था जो जगन्नाथ मंदिर का, जो जगन्नाथ जी का रथ जाता है ना, जगन्नाथ जी का रथ जब रुक जाता है, हमने सुना पांडव लोग थोड़ा गाली देते हैं, है मोटू चलो कालिया क्या खड़ा है चलो, जब तक वो लोग ऐसा नहीं बोलते तब तक वो जगन्नाथ जी आगे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि एक भक्ति है, एक भाव है, जिस भाव से भगवान वशीभूत, अपना समझते हैं ना, जब अपना समझते हैं तो भगवान, हाँ मैं भी, ये भी मेरा अपना है, अब मैं ही उनको अपना नहीं समझता हूँ तो फिर वो कैसे हमको समझेंगे। एक बार परिक्रमा के समय जगन्नाथ पुरी में, ये स्थान कहाँ पर मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, गुरु जी के साथ ही गया था उस समय, तो वहाँ पर कीर्तन चल रहा था, कीर्तन चलते समय एक साइड का पेड़ के नीचे मैं आया, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, होगा कुछ 8 साल, 7-8 साल या 10 साल के अंदर ही होगा वो, तो उसके साथ मैं बात करने लगा, तो उसको, तो उसको हिंदी अच्छे से आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। तो मैंने बोला तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बोलते हैं मम्मी है, पापा है, भैया है। अच्छा तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाता हूँ। अच्छा तुम जगन्नाथ जी को मानते हो? तो उसने ऐसा देखा, मतलब ये भी कोई प्रश्न है क्या टाइप का, जगन्नाथ जी को नहीं मानने वाले भी कोई है करके। बोलते हाँ, वो तो हमारा घर में है। मैंने बोला अच्छा, तो भोग लगा खाते हो? तो जगन्नाथ जी को भोग लगाते हो? भोग लगाना क्या, वो तो हमारा घर का आदमी है, उसको क्या भोग लगाना है, वो तो हमारा भैया जैसा है ना, वो खुद खाएगा। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, उस बच्चे ने ऐसा बोला, मतलब 7-8 साल का है, उसको क्या भोग लगाना है, वो तो हमारा घर का है।
इस प्रकार मतलब घर में ऐसा परिवेश, शायद उनका माता पिता ने शिक्षा दिया होगा कि जगन्नाथ हमारा घर का एक लड़का है, हमारा घर का एक सदस्य है, इस प्रकार उनका घर में ट्रेनिंग है, तभी तो उसको ऐसे समझ में आया। देखो मतलब ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि भगवान अपना घर का है। तो जो इस प्रकार इस भाव से भगवान को भजन करते हैं ना, भगवान उनके प्रीति से वश हो जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली नहीं, आज से हम भी ऐसे ही करेंगे, भगवान हमारा बच्चा है तो ये करेंगे ना, अभी संबंध तो आगे बने ना, हमारा संबंध ही नहीं है, तो चलो ठीक है, प्रभु जी ने बताया आज से कृष्ण को हम बच्चा मानेंगे, यशोदा जी ऐसा बंधन किया हम भी करेंगे, उसको भूखा रखेंगे ज़्यादा नटखट करेगा तो ऐसा करेंगे, तो फिर संबंध ही नहीं हुआ ना। एक पहले सबसे पहले विधि मार्ग पकड़ना पड़ेगा, नियम के अनुसार करना पड़ेगा, करते करते वो राग मार्ग में जब प्रवेश होगा तब ये सब आनंद मिलेगा। लेकिन अभी से करेंगे तो वो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला, विपर्य बुद्धि जन में शक्ति रभाव है, क्या है वो, अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्य बुद्धि जन में शक्ति रभावे, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार नहीं हुआ लेकिन सिद्ध देह का अपने आप को भाव कर रहा, हाँ मैं सिद्ध देह में हूँ, मैं श्री कृष्ण का पिता हूँ या तो माता हूँ या तो सखी हूँ या तो सखा हूँ, सिद्ध देह में अपने आप को एक कल्पना के तौर पे अपने आप को बिठा लिया लेकिन अधिकार नहीं हुआ, बोलते विपर्य बुद्धि जन में शक्ति रभावे, उसका एकदम विपरीत बुद्धि आएगा, मतलब भगवान का सेवक बुद्धि कंप्लीट रूप से चलाई जाएगा, और शक्ति, क्योंकि शक्ति नहीं है, शक्ति मतलब क्या, भक्ति नहीं है, शरणागति नहीं है, भक्त का शक्ति क्या है, शरणागति और भक्ति है, वो नहीं होने के कारण वो पतन के तौर पे जाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियली कृत्रिम भाव से उसको इमेजिन करना, कल्पना करना, वो भक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए साधन का प्रणाली भी बता दिया हमारे लिए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी है ना, हमारे लिए अति प्रयोजनीय है ये शिक्षाएं, बार बार हमको श्रवण करना चाहिए रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा, क्योंकि महाप्रभु को प्रश्न वही करते हैं जैसे ऐसे ही करते हैं कि मैं कौन हूँ, अभी हमारा परिचय तुमको खुद को पता नहीं है, इसीलिए सनातन गोस्वामी को संबंध आचार्य, संबंध ज्ञान का जो आचार्य है वो, और रूप गोस्वामी है अभिधेय, जो उनको जो है भक्ति क्या है और भक्ति के मार्ग में किस किस प्रकार के बाधाएं आ सकते हैं और उन बाधाओं से कैसे कैसे बचना है, ये रूप शिक्षा में मिलेगा, उसके बाद प्रयोजन तत्व है, लेकिन संबंध और अभिधेय यही दो, ये दो ही है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है जो हमको वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये सिद्ध देह मतलब बिना हमारा कोई योग्यता का उसके बारे में चिंतन करेंगे तो फिर भजन में उन्नति तो होना दूर की बात है, एकदम विपर्य बुद्धि, उसका उल्टा बुद्धि हमारे हृदय के अंदर जन्म होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, गोपियाँ अगर मान करके मुझे अगर कुछ बोलते हैं कटु वचन, तो भी बोल रहे हैं वो मेरे हृदय को इतना खींच लेता है, एक तरह से वेद का पाठ चल रहा है, एक तरह गोपियों का है, तो फिर मेरा हृदय तो गोपियों के साइड ही जाएगा। इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिख रहे हैं यहाँ पर, एक चीज बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है, जो रस भगवान का धाम में है, शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर विशेष रूप से, ये चार हमको देखने को लगता है कि इस जगत में भी है, ये चार प्रकार के रस इस जगत में भी है, लेकिन वास्तविकता में इस जगत में उसका विपरीत है, जो वहां पर परम आनंद प्रदान करने वाला है, यहां पर परम बंधन का कारण है, जो सर्वोत्तम रस, जो भगवान का जो कांत रस, यहाँ रस जो है यहाँ पर बहुत निम्न है, वो श्रेष्ठ रस वहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे निम्न है, और जो सबसे मतलब कम माना जाता है क्या, शांत रस, यहाँ पर वो शांत रस जगत में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर जो शांत भाव धीर भाव ये सब सुस मतलब एकदम जो है कोई चीज से चंचल नहीं होकर के अचल होकर के जो रहता है उसको जो है सर्वोत्तम माना जाता है ना इस जगत में, और यहाँ पर इस जगत में साधारणतः हम लोगों के लिए ऐश्वर्य भाव में व्यवहार करना ही आवश्यक है।
ऐश्वर्य भाव में मतलब एक दूसरे के प्रति एक सम्मान के साथ, है ना। वो ऐश्वर्य यहां पर जो वही सर्वश्रेष्ठ है, वो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस जगत में ये है, लेकिन वो उस जगत का प्रीति का कारण बनता है, इस जगत में बंधन का कारण बनता है। तो इसलिए जो वहां पर श्रेष्ठ है यहां पर निकृष्ट है वो, क्योंकि ये जगत ही ऐसा है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, एकदम उसका उल्टा रिफ्लेक्शन है। इसलिए उस चीज को पालन करना ठीक नहीं। हमको लग सकता है अच्छा गोपियों का मान है, हमारे भी अपना पति से मान है। नहीं, अगर हम इसको और उसको इक्वेट करेंगे ना, तो फिर हमारा जो मतलब उस परमार्थिकता के ओर हमारा इस प्रकार भीषण अपराध होगा। इसीलिए इससे पिछले वाला या तो उससे पहले वाला अध्याय में कविराज गोस्वामी ने अच्छे से श्री कृष्ण का तत्व के बारे में बता दिया, नारायण का तत्व के बारे में बता दिया, वो है वस्तु क्या है वो अच्छे से समझा दिया। उसके बाद ये बता रहे हैं रस। तो अगर इस समय भी हमको ऐसा लगता है हाँ इस जगत में भी है ना थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी थोड़ा पति के साथ कलह करेंगे तो फिर हमको भी अच्छा लगता है, पति को भी अच्छा लगता है, थोड़ा शायद भगवान का धाम में भी शायद ऐसा ही है ना, ये गलत कॉन्सेप्शन है। उधर है इसीलिए यहाँ पर है, लेकिन उधर जो आनंद का कारण है, इधर आनंद का कारण नहीं है, वही परम दुख का कारण है। वहां पर श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी मान करके वो बहुत प्रसन्न है, और श्री कृष्ण भी उनका मान वचन सुन करके श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न है। और यहां पर क्योंकि ईगो बहुत प्रधान है इस जगत में, स्वार्थ अपना ईगो बहुत ज्यादा प्रधान है, वो मान ईगो से उत्पन्न होता है, जागतिक अभिमान से उत्पन्न होता है। क्योंकि जागतिक अभिमान से उत्पन्न होता है, मान करके एक पत्नी अगर पति को कुछ बोल भी देती है तो फिर वो दोनों का ईगो वो आपस में टकराता है, ऐसा मान करते 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 दोनों का बिछड़ना हो जाता है। लेकिन वहां पर वही मान सर्वोत्तम है। इसीलिए अगर सोचते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसा है ना कि हाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं शायद वहां पर भी ऐसा ही है, कृष्ण के साथ हमारा वास्तव संबंध भूलने के कारण ही गुरु महाराज बोलते हैं हमको इस जगत में ये टेम्पररी संबंध मिले हैं। कृष्ण को हमने कृष्ण नहीं माना इस जगत का जो मरणशील बच्चा मिलेगा, कृष्ण को हमने अपने माता पिता नहीं माना इस जगत में हमको मरणशील माता पिता मिलेंगे, कृष्ण को हमने अपना प्राणपति नहीं समझा अपना पति नहीं समझा तो फिर इस जगत का मरणशील व्यक्ति हमारा पति बनेगा। तो हमारे जो नित्य संबंध भगवान के साथ है वो संबंध भूलने के कारण ही इस जगत में हमको नाना प्रकार का जो टेम्पररी संबंध मिल रहे हैं। और ये संबंध क्योंकि यहाँ पर अभिमान प्रधान है, अहंकार प्रधान है, तो कोई भी संबंध में उस प्रकार का जो अनरिस्ट्रिक्टेड जो हैप्पीनेस है नहीं मिलेगा, जो असीम जो सीमा के बाहर का जो सुख है ना इस जगत में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सब लोगों को अपना लिमिट्स में बात करो यार, है ना, बोलते हैं कि नहीं दोस्त के साथ भी, यार यार तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो यार, दोस्त के साथ भी बोल देते हैं लिमिट क्या है, दोस्त मतलब क्या है, लिमिट नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्त कुछ बोल दिया मेरे ईगो हर्ट करेगा, तो इसीलिए यहां पर मतलब जबकि साक्ष्य भाव है लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित साक्ष्य भाव ही अच्छा है। यहां पर पति पत्नी का भाव है लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित पति पत्नी भाव ही ठीक है। और आजकल का बच्चे बच्चे भी ऐसे ही, माता पिता बच्चे को भी नहीं बोल सकते हैं, बच्चे का भी ईगो में लग जाता है आजकल, ऐसे ही हो गए वो लोग भी, माँ ने कुछ बोल दिया तो फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कर देगा, अभी वो भी नहीं कर पाएंगे। मतलब इस जगत में ऐसा है कि जो भी संबंध है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सब जगह एक सीमा है, एक परिधि है कि हाँ तुम इसके ऊपर नहीं, प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, हम बोल देते सीधा। लेकिन वो वहां पर है लिमिटलेस, भगवान का धाम में कोई लिमिट नहीं है। सखा कृष्ण को मारेगा, उसको उसको ईगो को हर्ट करेगा, जो कुछ भी करेगा भगवान को कुछ होता नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ ऐसा व्यवहार करेगा उनका भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनको छोड़ करके कृष्ण को छोड़ करके और उनका कोई संबंध है ही नहीं किसी के साथ। तो वो रस कहाँ और इस जगत का इतना निम्न जो भाव हमारा वो कहाँ।
तो अगर उस परमार्थिक जीवन, परमार्थिक जो धाम है, उस धाम का रसों के साथ, इस जगत का रसों के साथ हम तुलना करने के लिए जाएंगे, तो फिर घोर अपराध होगा वो। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये, अच्छा यहाँ पर भी हमारा बच्चा घर में खेलता है तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा नटखट करता है तो हमको भी अच्छा लगता है, श्री कृष्ण हम भी तो अपने बच्चे को ना वो बंधन करते हैं, तो यशोदा का जी जैसा हमारा घर में कृष्ण आया है, राधा रानी आई है ना, ये तो जो है कल्पना है, भगवान को भूलने के कारण यहाँ पर ये सब हमको ये सब संबंध मिल रहा है, और उस जगत के साथ इस जगत का कोई तुलना है ही नहीं। तो इस प्रकार जो भगवान का धाम का जितने भी संबंध है वो ऐश्वर्य से कंप्लीटली फ्री है, और उस जगत से बाहर इस जगत में वही ऐश्वर्य में ही अच्छा लगते हैं, और शांत रस यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है। जो कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, अपना शांत होकर के रहेगा और कोई चीज़ से विचलित नहीं होता, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, वो सर्वोत्तम है इस जगत में शांत। तो इसीलिए ये समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे सिद्धांत बताएंगे, तत्व तो बताएंगे, अब पोल्यूटेड माइंड है तो फिर हमारा थिंकिंग भी, हमारा विचार भी पोल्यूशन की ओर ही जाएगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर जो भगवान का के प्रति जो असीम शरणागति है, वो वही एकमात्र कारण है भगवान का इस प्रकार उनके दास बन जाने का। यहाँ तक कि जयदेव गोस्वामी के मन में ऐसा आया, श्री कृष्ण जो है राधा रानी का चरणों पर हाथ रखा, उनका ऐसा विचार आया, आचार्य अरे मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या मतलब मेरे क्या विचार में आ गया, मेरा दिमाग थोड़ा सा, मेरा माइंड कुछ कुछ पोल्यूट हो गया, कुछ कलुषित हो गया, अभी जा करके स्नान करके आता हूँ। जैसे स्नान करने के लिए आए, भगवान स्वयं, उनका घर का विग्रह राधा माधव, राधा माधव जी, माधव जी स्वयं जो है जयदेव के रूप में आकर के, वो उन्होंने देवी तव पल्लवम पाद पल्लवम करके ये है, तो श्री कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा चरण छू रहा हूँ, ऐसा भगवान स्वयं आकर के लिख के गए। तो भगवान भक्तों को जो प्रकाशित करते हैं इस प्रकार, उनका अनन्य भक्ति को देख करके ही, अनन्य शरणागति को देख करके, जयदेव गोस्वामी के अंदर इस प्रकार का जो अनन्य शरणागति है, जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार का दर्शन कराया जो वास्तविकता में वहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है कि उन लोगों का इतनी शरणागति है, इतना समर्पण है कि भगवान अपने आप को बेच देते हैं। बोले ना कि मेरे अपने आप, मतलब अपने आप को और कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है, स्वयं बिक जाते हैं भक्तों के पास। यहाँ पर विश्राम देंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी की टीका है वो कल पढ़ेंगे, और तो टाइम हो गया क्या? वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च हरिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम्म।